हमारा इंस्टीट्यूट है, ये इसका नाम है पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी स्वदेशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये 3 साल के प्रोग्राम्स देता है, इसको डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर कहते हैं ना इस प्रोग्राम को। इसमें हमारे पास जो प्रोग्राम हम लोग जो ऑफ़र कर रहे हैं, चूँकि अब ये जो नुमाइश हो रही है ये स्पेसिफिक नुमाइश है प्रिंटिंग के हवाले से, तो सबसे पहला प्रोग्राम तो हमारा प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स का है, जिसको हमने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है। और उसके हिसाब से ये मशीनरीज वगैरह जो हैं सारी, या इसकी जो तस्वीर वगैरह हैं, इसके अलावा भी मज़ीद हम और भी प्रोग्राम देते हैं जिसमें गारमेंट्स है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, और मैकेट्रॉनिक्स का भी प्रोग्राम दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का भी एक प्रोग्राम है, जो 3 साल बेस प्रोग्राम है। अच्छा, अब अगर हम फिर से प्रिंटिंग की बात करें, तो प्रिंटिंग में हम ये शॉर्ट कोर्सेज भी दे रहे हैं जो 6-6 माह के होते हैं, जिसमें हमारे पास असिस्टेंट ऑपरेटर ऑफसेट प्रिंटिंग का एक छोटा प्रोग्राम होता है 6 महीने का, वो देते हैं। उसके अलावा पैकेजिंग का प्रोग्राम है, बाइंडिंग पब्लिशिंग का है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का प्रोग्राम। तो ये 4 प्रोग्राम हम 6 मंथ्स के दे रहे हैं। इसमें कुछ ये होता है कि बच्चे को जो है ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह का भी असिस्ट कर देते हैं, दे देते हैं इसको। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक समझो शॉर्टली मैकेनिज्म मैंने बताया, जिसमें मेन हमारा फोकस जो है वो 3 साल का डिप्लोमा है। तरीक़ेकार एडमिशन का, इसके लिए सालाना एडमिशन होते हैं, 3 साल के प्रोग्राम में सालाना एडमिशन होते हैं। उस सालाना एडमिशन में बच्चे को जो है वो साल की फ़ीस एक बार पे करनी पड़ती है, और उसके बाद वो पूरा साल जो है ना उसी फीस पे पढ़ता है। फिर जब वो एक साल क्लियर कर लेता है या एग्ज़ाम दे लेता है, तो फिर दूसरे साल की, तीसरे साल की। यहाँ एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि वो लोग कि जो जॉब्स कर रहे हैं या सुबह नहीं आ सकते, उनके लिए इवनिंग क्लासेस का भी हमारे पास बंदोबस्त होता है। तो 2 बजे से लेके फिर 7 बजे तक वो आगे प्रोग्राम चलता है, जो इवनिंग के स्टूडेंट करते हैं। 18 साल से 23 साल तक है, और इवनिंग प्रोग्राम में जो है वो 36 साल तक है। गवर्नमेंट का इदारा है, तो ज़्यादातर अखराजात तो गवर्नमेंट खुद तालिबे इल्म पे बर्दाश्त करती है। ये तो एक बहुत मुख्तसर सी फ़ीस होती है, अगर आप इसको प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कंपैरिजन करें तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और फिर मज़े की बात ये, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वो लैब्स का और वो मशीनरीज का मयार नहीं होता जो हमारे पास मिलता है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो 1955 से इस्टेब्लिश है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराना इंस्टीट्यूट है, और उसमें तकरीबन जो है ना हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी सिखाने के लिए मशीनरीज हैं। मेरे प्रिंसिपल साहब भी आए हुए हैं, ये भी कुछ वर्ड्स इनसे कहलवाऊँ। जैसा कि पूरी दुनिया में जो तालीम की अहमियत है वो टेक्निकल एजुकेशन की सबसे ज़्यादा है, और प्रैक्टिकली जो चीज़ें सीख के अप्लाई की जाती है वो यहाँ पे सिलसिला है सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन में। जैसा कि हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, उसमें सरफेस्ट है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर 3 इयर्स का कोर्स, वो मैट्रिक साइंस पास ऐसे बच्चे या बच्चियाँ जिनकी उम्र 17 साल से ऊपर हो 23 साल तक, वो मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम में इसी तरह से 17 साल से 32 साल तक विद परमिशन ऑनवर्ड भी है वो जो है दाखिला ले सकते हैं। असल मुख्तलिफ शोबे हैं, हमारी स्टेट टास्क एंड टेक्निकल एजुकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के अंडर अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, और जैसा कि ये पाकिस्तान स्वीडिश इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो कायदाबाद में वाक़ है, जिसकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, मैं एज ए प्रिंसिपल वहाँ का आला हुसैन अब्बासी आपसे बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास टोटल 9 टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें डिप्लोमा ऑफर होती है 3 साल की, उसमें एक टेक्नोलॉजी ये भी है प्रिंटिंग एंड ग्राफिक्स। प्रिंटिंग और ग्राफिक्स की अहमियत अफादियत आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई भी आप चीज़ देख लें उठा के, जो कोई भी चीज़ आपको मैं 1 घंटा देता हूँ, आप सोच के बताएं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी जिसमें कोई प्रिंटिंग ना हो। तो प्रिंटिंग जो है वो बेसिक है, ठीक है, तो इसीलिए इसमें भी हमारे पास 3 साल का डिप्लोमा ऑफर किया जाता है मॉर्निंग इवनिंग में। और इसके अलावा शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं 6 मंथ्स के, तो वो ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए या वर्कर्स के लिए होते हैं जो कहीं पे काम कर रहे होते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता या सर्टिफिकेट नहीं होता, तो हम उनके लिए इस तरह के शॉर्ट कोर्सेज भी यहाँ पे ऑफ़र करते हैं। और ऐसे बच्चे जो 3 साल का टाइम नहीं दे पाते या 3 साल का अफोर्ड नहीं कर पाते, शॉर्ट कोर्स के थ्रू उनको जो है वो ट्रेन करके फील्ड में भेजा जाता है। अभी रिसेंटली हमने पापगाई पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक्स की मदद से यहाँ पे
ठीक जो है 1200 बच्चों को ट्रेन करके फील्ड में भेजा है और एक बच्चा अभी मुझे नहीं मिला जो कहता हो कि मैंने यहाँ से पास आउट किया और मैं अभी बेरोज़गार हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से ये टेक्निकल एजुकेशन है। हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं थ्रू आउट सिंध में, ख़ासतौर पर कराची में, ठीक है, जिनमें सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, जैसे डिप्लोमा ऑफ सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेकाट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर और मैकेनिकल हम यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो तमाम बच्चों को और मैं दावत देता हूँ कि आप आएँ हमारा इंस्टीट्यूट विज़िट करें, ठीक है, और हमसे बेसिक नॉलेज ले लें और इसको ज्वाइन करें और मैं इंश्योर करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों का जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट होगा। थैंक यू वेरी मच।